जय श्री राम, नमस्ते। वापस है आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। फिलहाल मैं अभी वशिष्ठ जो ऋषि है उसी मंदिर में हूँ। मैं आपको मंदिर का दूर से दिखाता हूँ। फिलहाल बहुत सुंदर है। अभी समय हो रहा है लगभग 12:10, दोपहर का वक्त है। हम नहा धो लिए इधर आके, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको वशिष्ठ का जो मंदिर है, साथ ही आसपास का जो भी मंदिर है वो दिखाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, देख सकते हैं ये जो है वशिष्ठ ऋषि जी का मंदिर है और यहाँ पर वो जो है ना तपस्या करते थे। मंदिर बहुत सुंदर है और देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं इधर और कितना भीड़ देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो मार्केट है वशिष्ठ जो गांव है ना वहां का मार्केट है। और इधर सामने आप देख सकते हैं सामने भगवान शंकर जी का मंदिर है और उस तरफ जो मंदिर है वशिष्ठ ऋषि जी का। और देख सकते हैं कितना भीड़ है इधर। यहाँ का दृश्य थोड़ा देख लीजिए। तो दोस्तों अभी फिलहाल समय हो रहा है लगभग 12:15 के आसपास। में अपना ये पावर बैंक को चार्ज में लगा दिया था, कल तो बिल्कुल डाउन ही हो गई थी। देख सकते हैं एक्सटेंशन केबल से हम चार्ज लगा दिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे जोगनी फॉल, जो कि इधर से लगभग 4.5 किलोमीटर दूरी पे है। और शाम को मैं आपको यहाँ वशिष्ठ में जो मार्केट इधर है शाम को दिखाऊंगा। शाम को बहुत ही बढ़िया दिखेगी। और यहाँ पर जो मंदिर है ना वो भी दिखाऊंगा। राम जी का मंदिर है और ये जो मंदिर देख पा रही है तो शंकर भगवान जी का, और साथ ही वशिष्ठ मंदिर जो है उस तरफ है जहाँ पर वशिष्ठ ऋषि जो है वो वहाँ पर तपस्या करते थे, वो भी तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया। और थोड़ी देर बाद हम जाएंगे जोगिनी फॉल्स, तो रास्ते में मिलते हैं। देखिए देख सकते हैं ये अंकल का दुकान है, अंकल जी का, और सुंदर चीज़ है भाई। ये सब चीज़ें ले लिए, ये शॉर्ट ले लिया और ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया भाई। अभी कपड़ा खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये मास्क ले लिया ठंडी हवा से बचाने के लिए, ठीक है जी। दोस्तों सामने शिव जी का मंदिर है और हो रहा हमारा साइकिल, और इधर ही सामने ना दुकान है जहाँ से हम सारा कुछ खरीदे। और देख सकते हैं कॉटन के बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं भाई। इधर देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, और हम तो काफ़ी चीज़ें खरीद लिए भाई। देखो ये सब चीज़ें ना इधर मिलती है, अंकल जी का दुकान है और बढ़िया। ये साल देखिए, साल का रेट जो है 300 रुपया, बढ़िया लग रहा है यार साल मेरे को यार, सही में। अच्छा ये नीचे जो ये वाला ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं जुगनी वाटरफॉल्स, जो कि इधर से लगभग 4-4.5 किलोमीटर होगी भाई। और आज का हमारा गेटअप बिल्कुल हिमाचली हो गई है। अमित भाई साथ में हैं और ऐसा एक गांव है जहां से होके हम जा रहे हैं। इस गांव का नाम जो है वशिष्ठ, वशिष्ठ है ना? नहीं वशिष्ठ, वो पीछे वशिष्ठ। और ये गांव का नाम क्या होगा? वशिष्ठ। हाँ तो इधर से देख सकते हैं यहाँ का गाँव, देख सकते हैं आप बहुत सुंदर। और सामने आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है, इधर से होके जाना होगा भाई। कल तो हम निकल रहे हैं इधर से, और यहाँ पर सामने फूल देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और आगे जो है व्यू है हिमाचल प्रदेश में हिमालय का, और ऐसा कुछ सड़क है जहाँ से होके हम ना वो वाटरफॉल तक जाएंगे भाई। हेलो फ्रेंड, इधर लिखा हुआ वाटरफॉल की उधर भी लिखा हुआ है। हाँ जी, कैसा लग रहा है अमित भाई? अमित भाई ये भी एक है शायद कोई होटल वगैरह स्टे करने के लिए ना। ओह क्या ही बताओ हिमाचल के बारे में, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भाई। देखिए सॉक्स फांसे बनाए हुए, अरे देखो यार पत्थर का कैसे सही इस्तेमाल हो रही है, पत्थर की अभाव नहीं है इधर। देखिए रास्ते में जाते वक्त ये वाला रूट आती है भाई, बहुत ही प्यारा। सामने नदी बह रही है बहुत सुंदर, ये जो है ब्यास नदी है ना। और देखो भाई चारों ओर हरियाली, हमारे वहाँ नीचे में बहुत गर्मी हो रहा है, 45 डिग्री+ टेम्परेचर लगभग हर स्टेट में। इधर भी आप स्टे कर सकते हो, कैंप लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों फूल देखिए यहाँ का,
गुलाब का, ये पिंक कलर में, ये है ये भी वाइट पिंक है मैं, और ये देखिए खरमानी का पेड़, वाव बहुत सुंदर। अरे भाई देखो कैसा लग रहा है यहाँ से, देखिए दोस्तों यहाँ से व्यू देखिए भाई कैसा लग रहा है। सामने बर्फीला पहाड़, ग्रीनरी, साथ ही नदी बह रही है बस ब्यास नदी, और इधर इसी रास्ते से होके ना हम जा रहे हैं जुगनी वाटरफॉल, और काफ़ी सुंदर सड़क है यार इधर, इतना प्यारा जगह क्या ही बताऊँ। देखो भाई ये है मनाली, ओह तो भाई इधर मैगी खा लिए, अभी चलते हैं भाई। ये तो भाई हर तरफ पानी ही गिरती रहती है भाई हिमाचल में, देखो यार एक छोटी सी होल आ गई वाटरफॉल, और नीचे सो के जा रही है। देखो भाई कैसा जंगल है इधर यार, देखिए भाई मेरे पीछे देखिए कैसा जंगल में आ गया भाई बिल्कुल, तो हम ओह बहुत सुंदर, छोटे छोटे पेड़ सब देखिए मेरे पीछे, ठीक है ना। और ये जो रास्ता है ऐसा कुछ है जो कि जाती है बिल्कुल जुगनी वाटरफॉल, बहुत ही आराम आराम में जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, है ना। देखो भाई देखो ये जंगल देखो यार, भालू भालू तो नहीं होंगे ना इधर हाँ देखिए, हाँ भाई वीडियो ले रहा हूँ, दोस्तों को भी तो दिखाना है ना। देखो भाई क्या लिखा हुआ, यू आर एंटरिंग ए साइलेंट जोन मेडिटेशन एरिया, भाई साहब पहुंचने वाले हैं भाई वाटरफॉल में, और कितने सारे लोग हैं यार इधर, ये जो कुछ रास्ता है सामने ही, और नीचे आपको आप देख सकते हैं कैसा कुछ है। चलिए पहुंचते हैं, हेलो ओ भाई देखो वाटरफॉल, ओ माय गुडनेस, ऊपर भी जा रहे हैं लोग यार, देखो लोग ना ऊपर भी जा रहे हैं। भाई साहब भाई देखो यार कितना ऊपर से गिर रहा है पानी, ओ और बड़ा सा पहाड़। वैसे हमारे ओडिशा में है एक वाटरफॉल खंडाधार नाम का, वो भी बहुत बड़ा है यार, उसमें तो ज़्यादा पानी गिरती है, इधर थोड़ा कम है। देखो भाई लोग क्या कर रहे हैं, वाटरफॉल में पहुंच चुके हैं भाई, देख सकते हैं कितने सारे लोग नहा रहे हैं एक साथ, और कहां से गिर रहा है देखिए, वो जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है ना उसके ऊपर से गिर रहा है भाई, और लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग तो उधर से होके ना देख सकते हैं उधर से होकर ऊपर चढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं यहाँ, तो हम भी जाएंगे, हम भी देखते हैं रास्ता किधर से है, और यहाँ का आप नज़ारा देख लीजिए। ये जो है जुगनी वाटरफॉल मनाली में बहुत पॉपुलर है भाई, अगर मनाली आते हो इधर नहीं आते तो कोई कुछ नहीं देखे यार। चलिए उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं जैसे क्या रास्ता है, कहाँ से जाते हैं भाई इधर से। यहाँ पर आ गए भाई, देखिए ये जो है फल है ना ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन उधर क्रॉस करने के लिए ना कोई रास्ता नहीं है, हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं बिल्कुल, तो इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ना एक छोटी सी ब्रिज बनी हुई है, तो इसको क्रॉस करके ना हम उस तरफ जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए भाई देखिए, वाओ वाओ देखो कैसा लग रहा है ना, बहुत सुंदर। ये जो फॉल है पानी ना, वो बड़ा सा जो फॉल गिर रहा है उधर से ही पानी आ रहा है सब,
और यहाँ का व्यू देख सकते हैं भाई। चलिए ऊपर चलते हैं फिर आपको व्यू दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा लग रहा है। भाई देखिए दोस्तों, ऊपर जाने के लिए ऐसा कुछ रास्ता है और सफेद कलर का कोई फूल है भाई। वेलकम बैक दोस्तों, फिलहाल अभी हम जोगनी वाटरफॉल मनाली में हैं और हम दोस्त लोग मिल गए हरियाणा से। क्या नाम होगा? मेरा नाम पंकज पैन। रणदीप शर्मा। अच्छा जी, मिलकर बहुत खुश हुई। या सुरेंद्र ढांडा। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन में ये वाटरफॉल है। देखिए दोस्तों सामने कैसा नज़ारा है, सामने जोगिनी वाटरफॉल बहुत सुंदर और इस जंगल के बीच में है भाई। और सामने देख सकते हैं बर्फीला पहाड़ सामने दिख रहा है और ऐसा वाला रास्ता होके ना हम इधर आए हैं। और देख सकते हैं कितने सारे लोग इधर आए हुए हैं देखने के लिए भाई, बहुत सुंदर। ये जो है ना ये वाटरफॉल से भी ऊपर वाला एक वाटरफॉल है, उधर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है लेकिन वो सुंदर है ऐसा बोलते हैं। देखो भाई अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे से आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा दिख रहा है भाई। देखिए दोस्तों नीचे से कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऊपर से गिर रहा है और इधर से होके जा रहा है भाई। देख लो दोस्तों इधर से कैसा व्यू आ रहा है भाई। हम वहाँ वाटरफॉल में गए थे भाई और इधर से आते आते देखो कैसा लग रहा है, सामने बर्फीला पहाड़, ग्रीनरी वाला ये जंगल और देखिए कैसा लग रहा है बिल्कुल नीचे। तो देखिए दोस्तों एक पत्थर के नीचे ऐसा गुफा जैसा बना हुआ है और सारजी बोल रहे हैं कि इधर शेर आती है। और आती है सही में? हेलो, आप कहाँ से हैं? राजस्थान। वाह, ऐसा कुछ जगह है देख लो, थोड़ा सा यहाँ पर बैठते हैं फिर नीचे चल जाएंगे। वो जो रोड है ना वो जाती है नीचे, सुंदर जगह है हिमाचल, बहुत सुंदर। देखो भाई देखो, देखिए वाटरफॉल कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए भाई कैसा है। और पानी की कोई कमी नहीं है हिमाचल में। तो भाई बहुत टाइम हम यहाँ पर स्पेंड कर लिए, बहुत ही बढ़िया लगा वाटरफॉल। काफ़ी सारे लोग आते हैं यार दूर दूर से बिल्कुल देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिलहाल चलिए नीचे चलते हैं जहाँ पर हम रुके थे और विशिष्ट जो मार्केट है ना वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फिलहाल अभी देखिए शाम का वक्त है और हम कुछ खाने निकल गए हैं। हमारे चारों ओर देख सकते हैं कैसा दुकान है भाई। ये जो है ना वशिष्ठ का मार्केट एरिया है, देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए भाई, भूख लग रहा है। सुबह से ना मैं सिर्फ मैगी ही खा रहा हूँ, कुछ ढंग का नहीं खा रहा, तो कुछ खाएँगे और आपको साथ में मार्केट भी दिखाएँगे कि मार्केट कैसा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये जो है वशिष्ठ जहाँ पर है ना वहाँ का मार्केट ही रहा है। देखिए हिमाचल की टोपी और साथ ही गर्म कपड़ा, गर्म मतलब ठंडी के लिए कपड़ा, और इधर खाने पीने का दुकान। और देखिए बहुत सुंदर जगह है भाई, पैसा होना चाहिए बस इधर आने के लिए और यहाँ पे खर्चा करने के लिए। और देख सकते हैं और हम एक दुकान में आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़ा का दुकान है। मेरे को ना जैकेट पसंद आया तो मैं देख रहा हूँ, साथ ही ये वाला पसंद आया, देख लो कैसा और मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। और ये वाला एक ब्लैक का भी मैं चूज़ कर रहा हूँ,
नहीं कौन सा लो मैं सोच रहा हूँ यार, इतने अच्छे कपड़े ना सर्दी का उधर नहीं मिलता हमारे वहाँ। भैया आप अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आबिद है। आबिद भाई जो है यूपी से हैं और इनका यहाँ वशिष्ठ कलेक्शन नाम का दुकान है इधर बिल्कुल रोड के पास ही है, पास में ही है बस। मंदिर जो है ना मंदिर से ज्यादा दूर नहीं, 200 मीटर दूरी पे। तो मिलकर बहुत खुशी हुई, देखिए ये वाला मैं ले लिया और बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है लोकल यहाँ पे जो पहनते ना। और इसको क्या बोलते हैं, स्वेटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं? जैकेट है ना का, लोकल जैकेट बोलते हैं। बहुत सुंदर है, हैंडमेड जैकेट। ये हैंडमेड है, हाथ से ही तो बनी गई है, तो सिली होगी मशीन से, थोड़ी अंदर का फर है ना मशीन से लगाया, मशीन से लगाया, ये मशीन से लगा और ये ऊपर का बना, तभी इतना प्यारा लग रहा है जी। एट नाइट आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग टू माय फ्रेंड। दोस्तों फिलहाल अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:50 और हम ना फिर से वापस से खरीद के आ गए यहाँ पर, हमें सोना है आज। यह हमारा सामान और ये जो है बाबा का मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारा साइकिल। और भी कुछ साइकिलिस्ट हैं जो कि यूपी से हैं, दो लोग आज जुड़ गए हैं भाई हमसे, मतलब इधर ही रुकेंगे शायद, उनका सफ़र भी लद्दाख का है, पता नहीं हमारे साथ जाएंगे या बाद में आएंगे पता नहीं है, लेकिन ये रहा हमारा साइकिल, ये है मेरी जान। तो इधर ही रुक रहे हैं यार, दो दिन हो गया इधर ही रुक रहे हैं। तो इधर क्या है ना, हम अपना जो है बिस्तर लगा दिए हैं, बिस्तर टेंट लगा सकते हैं लेकिन लगाने का मन नहीं किया यार, इधर मंदिर एरिया है ना थोड़ा सा अलग लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इधर से स्लीपिंग बैग है अपना, तो ये यहाँ पर स्लीपिंग बैग लगा देंगे फिर अंदर घुस जाएंगे। और ठंडी का कपड़ा तो खरीद ही लिया, मुझे ये चीज़ ना बहुत ही बढ़िया लगा तभी खरीद लिया। तो ठीक है, कल पता नहीं कल कुछ चीज़ें मुझे पार्सल करना पड़ेगा यार, क्योंकि काफ़ी सामान मैंने खरीद लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो कुछ सामान घर भेज देंगे फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कल और एक नया वीडियो मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।